हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं साइंस का चैप्टर जो आपका चल रहा है ग्रोविंग प्लांट्स, उसके आगे का हिस्सा पेज नंबर 5। एग्जामिंग सीड स्ट्रक्चर मींस सीड के स्ट्रक्चर का निरीक्षण या उसके बारे में जानकारी लेना, ठीक है। सीड्स आर डिफिकल्ट टू एग्जामिन एज दे आर हार्ड एंड ड्राई। सीड को जो है ना एग्जामिन करना, उसका परीक्षण करना, निरीक्षण करना हार्ड है, सॉरी मुश्किल काम है। क्यों? क्योंकि बीज हार्ड होता है और सूखा होता है, ठीक है। सो वी नीड टू सोक देम इन वाटर फॉर अबाउट 8 डेज। इसलिए हमें उनको भिगो करके रखना पड़ेगा, किसके अंदर? पानी के अंदर। कितने दिन के लिए? 1 दिन के लिए, ठीक है। द सीड्स विल अब्जॉर्ब वाटर एंड स्वेल्स। इस तरीके से पानी में रखोगे तो बीज हैं वो पानी को अब्जॉर्ब कर लेंगे और फूल जाएंगे, साइज वाइज बड़े हो जाएंगे। दे आर नाउ इजियर टू एग्जामिन, ठीक है। अब उनका परीक्षण या निरीक्षण करना क्या है? आसान हो जाएगा अभी आपके लिए। क्या हो जाएगा? आसान कार्य हो जाएगा, ठीक है। एवरी सीड इज प्रोटेक्टेड बाई ए थिक एंड हार्ड कोट। प्रत्येक जो बीज है उसके बाहर एक हार्ड कवरिंग होती है मोटी, जिसको हम सीड कोट बोलते हैं। देर इज ए डार्क स्ट्रिप और स्केयर ऑन द सीड कोट। सीड कोट के ऊपर ये जो बाहर का कवरिंग दिख रहा है सीड कोट है। सीड कोट के ऊपर क्या होता है? एक पट्टी या एक निशान होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? ये जो निशान है इसको बोल रहे हैं भाई स्केयर। क्या बोल रहे हैं? स्केयर ऑन सीड कोट, ठीक है। दिस मार्क द प्लेस ऑफ सीड स्टॉक। स्टॉक होता है डंठल। ये उस लोकेशन को दिखाएगा जहां पर जो बेबी प्लांट है वो इसके साथ अटैच्ड है, ठीक है। द सीड स्टॉक अटैच द सीड टू द फ्रूट। जो सीड स्टॉक है या जो सीड के अंदर जो डंठल जैसा पार्ट है वो क्या करता है? अटैच करता है किसको? सीड को किसके साथ अटैच करता है? फ्रूट के साथ अटैच करता है। देयर इज ए स्मॉल होल जस्ट अबोव द टॉप ऑफ स्केयर। उस निशान के ऊपर, ये जो निशान है इसके ऊपर एक और जो है ना होल होता है छोटा सा। दिस होल अलाउ वाटर टू इंटर द सीड। जब हम पानी के अंदर बीज को भिगोते हैं ना तो उस होल के दौरान उस होल में से क्या होता है? पानी एंटर करता है, ठीक है। उसके बाद इसके इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में भी। द बीन सीड हैज टू लीव्स। जो बीन सीड होता है, राजमे का जो बीज होता है, उसके अंदर दो बीज पत्र होते हैं। जैसे यहाँ पर आपको दो अलग अलग पार्ट दिखाई दे रहे हैं ना, ये कोटिलेडन है। दीज सीड लीव्स आर कॉल्ड कोटिलेडन। इनको हम क्या बोलते हैं? कोटिलेडन। जैसे इसके अंदर दो कोटिलेडन है, एक ये एक ये, ठीक है। सैंडविच बिटवीन देम ए टाइनी एंड डेलिकेट बेबी प्लांट। उन दो कोटिलेडन के बीच में एक बेबी प्लांट प्रेजेंट होता है। जैसे सैंडविच के अंदर मसाला होता है ना, आलू का या और जो भी प्रोडक्ट उसके अंदर डालते हैं, वैसे ही इसके अंदर क्या होता है? ये बेबी प्लांट सैंडविच होता है, जिसे हम बेबी प्लांट बोलते हैं भाई। सम सीड हैव टू सीड लीव्स। कुछ बीज ऐसे होते हैं जिनके अंदर दो बीज पत्र होते हैं, जैसे कि भाई ग्राम है, चना है, सॉरी पी है, ग्राम है, बीन है, इन सभी के अंदर दो बीज पत्र होते हैं भाई। वाइल सम अदर हैव ओनली वन सीड लीफ। कुछ ऐसे होते हैं जिनके अंदर एक ही सीड लीफ या एक ही बीज पत्र होता है। एग्जाम्पल के तौर पे गेहूं है भाई, मक्का है और राइस है, ठीक है। द बेबी प्लांट हैज टाइनी सूट एंड टाइनी रूट। जो बेबी प्लांट होता है उसके ऊपर सूट वाला पोर्शन जो होता है वो टहनी वाला पोर्शन होता है, पत्तियां जहाँ होती हैं, और सूट वाला पोर्शन होता है जो रूट वाला पोर्शन होता है जो ग्रो करके बाहर निकलता है, जमीन के अंदर जाता है, वो रूटेड पार्ट होता है। तो प्रत्येक बेबी प्लांट के दो पार्ट होते हैं, सूट और रूट, ठीक है। द सीड लीव्स प्रोटेक्ट द प्लांट। जो सीड लीव्स हैं, बीज पत्र हैं, वो बेबी प्लांट को प्रोटेक्ट करते हैं। फूड फॉर द बेबी प्लांट इज स्टोर्ड इन द लीव्स सीड लीव्स। जो भोजन है बेबी प्लांट के लिए वो किसके अंदर स्टोर रहता है? सीड लीव्स, मतलब कोटिलेडन के अंदर भोजन स्टोर होता है, ठीक है। उसके बाद अभी सीड जर्मिनेशन। सीड जर्मिनेशन क्या होता है? सीड का किसके अंदर जर्मिनेट हो जाना? बेबी प्लांट के अंदर जर्मिनेट हो जाना ही क्या कहलाता है? जर्मिनेशन ऑफ सीड कहलाता है, ठीक है। और जो बीज से जो बेबी प्लांट बाहर निकल के आता है उसको हम सीडलिंग बोलते हैं, प्योद बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्योद बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्योद, ठीक है। उसके बाद है कंडीशन नेसेसरी फॉर जर्मिनेशन। कोई भी बीज उगता है उसके जर्मिनेशन के लिए, उसके अंकुरित होने के लिए आपको मॉइस्चर चाहिएगा, बीज को ऑक्सीजन चाहिएगी, और वार्मथ गर्माहट या उचित तापमान चाहिएगा, हवा चाहिएगी, वाटर चाहिएगा। ये सारी चीजें नेसेसरी हैं फॉर द जर्मिनेशन ऑफ सीड। तो यहाँ से क्वेश्चन बन जाएगा, तो सीड को जर्मिनेट होने के लिए क्या क्या चाहिए? द जर्मिनेटिंग सीड नीड वाटर सो दैट फूड प्रेजेंट इन इट इज अवेलेबल इन सोलबल फॉर्म फॉर द बेबी प्लांट।
जो जर्मिनेटिंग सीड है उसके लिए पानी इसलिए आवश्यक है तो ताकि कोटिलेडन के अंदर जो भोजन प्रेजेंट है ना वो सोलुबल फॉर्म में हो जाए और उसका उसको बेबी प्लांट आसानी से अब्जॉर्ब करके ग्रो कर जाए। वाटर आल्सो हेल्प टू ब्रेक द सीड कोट टू लेट द बेबी प्लांट कम आउट। जो वाटर है वो सीड कोट को तोड़ता है और बेबी प्लांट को बाहर निकलने में भी सहायता करता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है द जर्मिनेटिंग सीड नीड एयर टू ब्रीद। जो उगते हुए बीज होते हैं उनको हवा की जरूरत होती है सांस लेने के लिए। वारम्थ, वारम्थ मीन्स उचित तापमान इज नेसेसरी, वारम्थ इज नेसेसरी फॉर सीड टू बिकम एक्टिव। सीड को एक्टिव होने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है, उचित तापमान की जरूरत होती है, ठीक है। तो यहाँ पर सीड जर्मिनेट हो रहा दिखा रखा है भैया, ये दिखा रखा है, ठीक है। यहाँ तक इसको पढ़ लेंगे, नेक्स्ट वेल में आगे का करेंगे हम।